सागर आईजी अनिल शर्मा ने मंगलवार की सुबह वार्षिक निरीक्षण के तहत टीकमगढ़ पुलिस लाइन में पुलिस परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल की बंदिशों की वजह से पिछले कुछ वर्षों में पुलिस वार्षिक निरीक्षण का आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस वर्ष यह आयोजन कर टीकमगढ़ जिले के पुलिस बल के टर्न आउट और अनुशासन को परखा गया। इसके अलावा बलवा ड्रिल का अभ्यास भी किया गया। पुलिस वाहनों के रखरखाव और किट का निरीक्षण किया गया। उक्त आयोजन में टीकमगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ML चौरसिया, SDOP कृष्णपाल सिंह के साथ समस्त थानों के थाना प्रभारी और पुलिस बल शामिल रहा। सागर IG अनिल शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस बल की क्षमता अनुशासन का वार्षिक निरीक्षण किया जाता है, साथ ही बलवा जैसी समस्याओं से निपटने के लिए पुलिस अभ्यास किया जाता है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। अजी सब बताइए, जो आज कार्यक्रम हुआ सर, क्या कार्यक्रम था आज? टीकमगढ़ जिले का वार्षिक निरीक्षण था, उसमें जिले की जो बल है उसका पुलिस लाइन्स में आज परेड का आयोजन किया गया था। उस परेड का निरीक्षण किया और जवानों के टर्नआउट को देखा, उनके अनुशासन को देखा। इसके अलावा बलवा ड्रिल भी कराई गई और आगे वाहनों की जो किट है और वाहनों के संबंध में जो उनका रखरखाव है उसकी जो है अभी निरीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस लाइन्स में जवानों का एक सैनिक सम्मेलन होता है, वो अभी आयोजित किया जाना है। ये कार्रवाई थी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।